अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैंने ना शाम का व्लॉग बनाना शुरू किया है। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी तकरीबन असर का टाइम हो रहा है और गर्मी भी है आज अभी, लेकिन धूप थोड़ी कम हो गई है। पहले क्या है, मैं सुबह व्लॉग करता था, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यार सुबह क्या था, आज जुम्मा भी था और जुम्मे को पता ना सोते ही रहता हूँ, दिल भी नहीं करता उठने का, तो सुबह मैं लेट उठा हूँ जिसकी वजह से ना धूप काफ़ी हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग बना नहीं पाया। आज भी मैं सोचता रहा हूँ कि काश कहीं से बादल आ जाए और मौसम प्यारा सा हो जाए हमारे बर्ड्स के लिए भी, हमारे लिए भी, और अच्छे से व्लॉग भी बन जाएगा। और दूसरी मेरा यह क्या थी यार, हमारा ना ये ऊपर सामान पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी यहाँ पर पड़ा था, और यहाँ पर ना घर वालों ने ना दाने धो के ना यहाँ पर बिछाए हुए थे ज़मीन पर और कपड़े के ऊपर, तब इस वजह से ये सामान पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं ना व्लॉग आज का दिन में नहीं बना पाया। तो अभी इस टाइम हुआ था, मैंने ये साइड पे किया, मैंने कहा सुबह से ना, सुबह से नहीं कल से, कल शाम को मैंने मुर्गियों खोला था, अपने बर्ड्स को खोला था, उसके बाद मैंने बर्ड्स को खोला ही नहीं है। सुबह कल भी हुई, रात गुजरी है, सुबह गुजर गई है और अभी तक मैंने ना अपने बर्ड्स को नहीं खोला। तो अभी असर का टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी क्या करते हैं, मौसम भी ठीक है क्योंकि देखिए माशाल्लाह से हवा चल रही है, मौसम अच्छा बना हुआ है और हमारे बर्ड्स कौन से हैं देखे ना माशाल्लाह से, बाहर आने के लिए ना उतावले हो रहे कि हमें बाहर निकालो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यार हम अपने बर्ड्स को खोल लेते हैं और देखते हैं इनकी क्या सिचुएशन है और क्या हमें कुछ आज कोई नया मिलता है इनके अंदर। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ना हमने खोलनी है अपनी मुर्गी, क्योंकि दोस्तों बाकी की खैर है कि इनको खोलना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बाकी कौन से ना वो खाते भी रहते हैं, देखे ना सबका बाजरा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन ये गिरा देते हैं ठीक है, लेकिन ये जब बैठ जाए ना अंडों पर, ना ये बाजरा खाएगी ना फिर ये पानी पिएगी उठ के, तो इसको उठाना लाजमी है। ये कल सुबह से दोस्तों यहीं पर है, तो इसने कोई दाना पानी नहीं खाया हुआ, तो इसको सबसे पहले निकालना, क्योंकि दोस्तों ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया, इसको दोस्तों लाजमी निकालना, क्योंकि दोस्तों अभी तकरीबन ना 19 दिन हो गए हैं, आज 19वां दिन ना, दो दिन ही रह गए हैं, तो दो दिन इसको ऐसे करते रहना चाहिए, कल आज बिठा देना ना, फिर इसको नहीं उठाना, शायद कल एक दफ़ा उठाएंगे उसके बाद फिर नहीं उठाना, क्योंकि एक दिन रह जाएगा वो अच्छी तरह अपने अंडों को हैच करेगी, और तकरीबन परसों दोस्तों हमारे सेटअप पर छोटे छोटे चिक्स आ जाएंगे माशाल्लाह से, जो इसके आगे पीछे दोस्तों भाग रहे होंगे। तो अभी मुर्गियों को भी खोल देते हैं साथ, नहीं सबसे पहले ना चूज़ों को खोलते हैं, क्योंकि यार ये वहाँ पर दाना होता है ना, तो हमारी मुर्गी कौन सी अंदर जाके ना दाना पानी खा लेती है, तो पहले इनको खोलते हैं। ये भी सुबह से बंद है, तो चलो भाई आ जाओ, अंदर पानी पड़ा हुआ दोस्तों, दाना नहीं पड़ा हुआ ठीक है, दाना मुर्गी अंदर पानी पी लेगी, दाना इसको हम यहाँ ही पर डाल देंगे ठीक है। इनको भी खोल दिया, मुर्गियों को भी खोल देते हैं ठीक है दोस्तों, चलो भाई आ जाओ भाई, ये भी दोस्तों बाहर आएंगे इंजॉय करेंगे, क्योंकि कल से यार बंद है, तो कल से कह रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं खोलो खोलो, लेकिन क्या है दोस्तों धूप काफ़ी ज़्यादा थी, अभी भी धूप है, लेकिन ना हमारी क्षेत्र में कुछ कम हो गई है, वहाँ कोने में ही है, बाकी धूप नहीं है, तो अभी इनके लिए खोल भी मिलने बेहतर है, अभी वहाँ पर धूप है दोस्तों ठीक है, इसलिए वो ऊपर वाला बर्ड कौन सा ना वो ऊपर ही रहे, जब वहाँ पर छाँव आती है ना फिर नीचे रह के वहाँ पर उस केज के अंदर ना उसको बंद कर देंगे। कबूतरों को भी खोल लेते हैं, यार इनका क्या कसूर है, सबको खोल दिया, इसको ये रह गए हैं, तो इनको भी खोल देते हैं, और हमारी कबूतरी भी दोस्तों नज़दीक ही है, इसलिए बच्चे निकालने हैं, क्योंकि ना देखें दोस्तों अभी कबूतर भी उठा हुआ है, कबूतरी भी उठी हुई है, ये भी कहती है हमें खोलो कब से कह रहे हैं, और ये दो अंडे दोनों के दोनों पड़े हुए हैं तकरीबन दोस्तों, अब इनके भी चार एक दिन रह गया, इसके बाद फिर इन्होंने बच्चे निकालने हैं, और इनको सबको भी निकालते हैं बाहर, ताकि दोस्तों ये भी इंजॉय करें, आज देखें ना खुद ही निकलेंगे, सुबह से नहीं ना खोला इनको, तो आज देखेंगे ना खुद ही निकल जाएंगे ठीक है। देखो मेरे खोलने की देर थी माशाल्लाह, देखें सारे आ गए हैं, तीन आ गए, बाकी भी दोस्तों अभी निकल आएंगे ठीक है। एक हमारी वो कबूतरी बाहर आ गई है, वो वहाँ पर दोस्तों मैंने ना सफाई की थी छत की, तो ना सारा कौन सा कचरा वहाँ पर इकट्ठा किया था, और यहाँ पे आपको पता काफ़ी दाना था, तो ये सारा दाना ना उसकी मिक्स है, तो ये ना वहाँ पर जाके ना दाना वगैरह ना खा लेंगे। अभी देखिए ये भी माशाल्लाह बाहर आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ सारे आराम से अपनी बारी बारी सारे आ जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से पाँच आ गए हैं, पीछे अभी भी दोस्तों हमारे चार हैं ठीक है। अब इनके काम देखें, अब इन्होंने अंडे तो ख़राब करने हैं ना ऐसे, दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, ये बड़ा मुश्किल है इनका ना बंदोबस्त करना, ये ना घुस जाती है अंदर, तो दोस्तों तकरीबन ना दो ही रह गए अंदर ठीक है, वो ये क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि दोस्तों इनका ना पैर लग गया है, और ये भी ना अंडों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी ना अभी बाहर आ जाएंगे, वहाँ पर वो क्रेट के अंदर ना ये जगह बना रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ना अपने शिराजी को से कबूतर हैं जो हमारे दोस्तों वो फिर रहे हैं सामने ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किन की बात कर रहा हूँ, एक ही हमारे पीछे फीमेल है दोस्तों ठीक है, और हमारा वो कबूतर है ठीक है,
मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कबूतर है दोस्तों, और ये दोस्तों हमारी कबूतरी है। ये वो कौन सा अंदर नेस्ट है ना दोस्तों, मैंने इनके लिए बनाया हुआ, ठीक है। वहाँ पर दाना पड़ा, ये दाना खाते रहे। मैं आपको ना अंदर दिखा देता हूँ कि दोस्तों ये जो सामने नेस्ट है ना, तो ये मैंने आपको बताया था हमारी कबूतरी है ना, यहाँ पे ना अपना नेस्ट खुद बना रही थी। तो मैंने कहा ऐसे मुश्किल होगी इसको, तो मैंने ना साइड पे पत्थर रख के ना अंदर मैंने घास वगैरह सूखा फेंक दिया, उसके पर जो भी थे सारे फेंक दिए ताकि ये एडजस्ट रहे। और देखो दोस्तों उस दिन के बाद ना हमारी कबूतरी यहाँ से बैठी रही है, कभी कबूतर बैठता है और कभी ना यहाँ पर आके कबूतरी बैठती है। तो मैंने अभी दोस्तों देखा भी नहीं है कि ये क्यों बैठती है, दोस्तों आज चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर ये क्यों बैठी रहती है। जब से नेस्ट बना हुआ है ना तब से वहाँ पर बैठ रही है, तो उस चेक कर लेते हैं शायद हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ ही हो जाए, क्योंकि बैठी जो ये शायद कोई अंडा भी दिया हो। तो पहले ना सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। आज नेस्ट चेक करते हैं वहाँ पर। माशाल्लाह से दोस्तों देखिए दो दो अंडे हैं यार, हमारे पिगन ने हमें सरप्राइज दे दी है। तभी मेरे को इतने दिन से बैठते क्यों है, अभी देखे ना वो कबूतरी फेर रही है, अभी उठ के गई है, ठीक है। और जैसे मैं ना इधर आया हूँ ना, तो ये यहाँ पर ना फौरन उधर से उड़ के ना इधर आ गई है। तो माशाल्लाह से दो दो एग हैं यार, मैं तब भी कोई बैठी की होती है माशाल्लाह से, देखे एक नहीं दोस्तों दो दो एग, और इतनी जल्दी यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतनी जल्दी ये एग अंडे दे भी देगी, क्योंकि मैंने तो वैसे ही है ना पर इकट्ठे कर रहे थे, तो मैंने वैसे ना इनके ऐसे ना नेस्ट बना दिया ताकि ना इनके लिए आसानी हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी दो दो अंडे दे भी देंगे। अभी हम मुझे पता अभी परसों हमने बनाया था, तो तब भी दोस्तों ये हम जो हमारी ये दोस्तों ये फीमेल है ना, ये दो दिन से ना यहाँ पर आके बैठी हुई है, अंडों को हैच किया दोस्तों। ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, अभी डिस्टर्ब नहीं करते, वहाँ पर बैठ जाती है। हम ना चलते हैं वापस दोस्तों, यहाँ पर ना इसको ऐसे ना बंद कर देते हैं ताकि ना इसके लिए ना मसला ना बने, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं ना बड़ा खुश हो रहा हूँ आज कि सरप्राइज हमारे बर्ड ने हमें दे दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी अंडा देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे कौन से शराजी पिगन है ना, उन्होंने पहले एक दफ़ा अंडा दिया था, तो क्या हुआ था हमारे वो कौन से लकी पिगन है ना, वो ब्लैक वाला और एक वो वाइट वाला, वाइट वाली फीमेल है और ये ब्लैक वाला मेल है, तो इन्होंने ना वहाँ पर ना कब्जा कर लिया था, वो अंदर नेस्ट के अंदर दिया था। अब वहाँ पर एक अंडा कौन सा ना, वो शिराजी का, ये जो पीछे है दोस्तों, एक वो आगे कौन सा है ना कोने में, उसका अंडा, ठीक है, और ये इसका मेल है, तो इन्होंने ना कब्जा कर लिया था, एक अंडा इसका और एक अंडा इनका। तो दोस्तों ये उस टाइम से ना दोबारा पैर बनाया हुआ इन्होंने और मीटिंग कर रहे हैं, और तब से ना ये तैयारी कर रहे हैं अंडों की। और तब भी दोस्तों जो दूसरा ने नेस्ट बनाया ना, तब भी दोस्तों ये वहाँ पर नहीं जा रहे, क्योंकि वो हमारे ना लकी पिगन के नेस्ट के पास है, तो इन्होंने अपना ना साइड पर नेस्ट बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने दोस्तों इनकी आसानी के लिए ना मैंने वहाँ पर वो इंटे जोड़ दी थी ताकि दोस्तों इनके लिए आसानी हो जाए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये इतनी जल्दी अंडा दे भी दी। मैंने कहा शायद वैसे ही कर रहे, तो मैंने ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ इनके लिए ताकि इनके लिए आसानी हो जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी अंडा भी दे देंगे। और मैंने चेक भी नहीं किया, और आज आपके सामने चेक किया, एक नहीं दोस्तों दो दो अंडे हमारे कबूतर ने दिए हुए हैं। हाय बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यार एक खुशी एक तरफ है, उन्होंने अंडे दिए हुए हैं और वो बच्चों निकालने वाले, और साथ ही हमारे शराजी कबूतर ने भी अंडे दे दिए हैं। अब ये भी अंडों पर दो दिन से बैठे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों जो तीसरी बात है, तीसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, ये जो हमारे जो लाल बबरे कबूतर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ करके, एक ये मेल है दोस्तों और वो उसकी फीमेल फिर रही है, ठीक है। इनका भी ना पेयर लगा हुआ है, और ये भी ना काफ़ी टाइम से ना अपनी ना वो जो हमारे वो लकी पिगन अंदर गई है ना, उसके साथ वाला जो नेस्ट है ना उसके अंदर बैठे हुए थे। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी ना एक दो दिन के अंदर ना यहाँ पर अंडे देना शुरू कर देंगे, आज नहीं तो दोस्तों कल ही शुरू कर ही देंगे अंडे देने। अभी हमारी कबूतरी ऊपर जाके बैठ गई है, ठीक है, इसको बैठने देती है। अब दो अंडे वहाँ पर हो गए हैं और दो अंडे यहाँ पर हो गए हैं, और एक दो दिन में हमारे साथ वाला कौन सा नेस्ट है ना दोस्तों, इसके अंदर भी अंडे आ जाएंगे। दोस्तों मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे कबूतर कौन सी है, बारी बारी अंडे दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे दो प्योरों ने अंडे दे दिए हैं, और तीसरा कौन सा पेयर है वो तैयारियों में है, और अभी कौन सा ये पेयर है ना, एक ये फीमेल है और उसकी फीमेल दोस्तों के पीछे जर्द फिर रही है, ठीक है। मैं तो ये इनका भी ना पेयर नहीं लगा, ये देखिए अब यहाँ पर है उसकी, वो वहाँ पर है, क्या होगा मो। एक ये भी मुझे था फीमेल, जो हम ब्लू लेके हैं ना हमें रेसर कबूतर, ये भी मुझे था फीमेल ही है, क्योंकि अब दो फीमेल है एक मेल है, कोई ना इनका पेयर लग ही जाएगा, फिर ये भी अंडे स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे एक लकी ने दिया हुआ है, वो भी बच्चे निकालने वाले हैं, दो तीन दिन है, इन्होंने भी दे दिया, अब ये भी अंडों पर बैठ गए हैं। तो माशाल्लाह से हमारे सेटअप पर ना कबूतर आस्ते आस्ते ना बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन ना कोई एक नई गुड न्यूज़ हमें मिल ही जाती है। और उम्मीद है कल तक दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि हमारे कौन से लाल बबरे कबूतर हैं ना दोस्तों, वो सामने वाले वो भी ना हमें एक दो दिन में ना नई खुशखबरी दे देंगे, और खुशखबरी होने वाले, क्योंकि दोस्तों एक तरफ हमारे पिगन ने बच्चे निकाल लिए हैं, दूसरी तरफ हमारे पिगन ने अंडे दे भी दे दिए हैं, तीसरी तरफ हमारी ये पिगन कौन सी है, ये कौन सी है, ये भी अंडे देने वाले हैं, और चौथी तरफ हमारी ये मुर्गी भी बच्चे निकालने वाली, आज 19वां दिन है, और उसके बाद हमारी मुर्गी भी कुड़ुक होने वाली है, उसको भी अंडों पर बिठाना है। दोस्तों सारी गुड न्यूज़ ना एक एक साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, हमारा कौन सा सेटअप है ना आहिस्ता आहिस्ता ना बढ़ता जा रहा है। तो आज दोस्तों मैं बड़ा खुश हूँ बहुत ज़्यादा। बस अब क्या है कि सब ने ब्रीडिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, अब हमारे कौन से क्या रह गया, वो रह गए हैं हमारे कौन से सबसे पहले वाला केज जो था, मतलब कि हमारा जो मास्टर केज है ना ये रह गया ब्रीडिंग के हवाले से, बाकी सब ने अपनी ब्रीड स्टार्ट कर दी है, अभी भी ये भी कर रहे हैं दोस्तों। उसकी कौन सी फीमेल है ना देखो, वो अंदर ही है अभी, ठीक है, उस मेल की, वो सामने कौन सा डोली के ऊपर जोड़ा बैठा हुआ है ना, इसकी फीमेल ना दोस्तों अभी अंदर ही है, देखिए माशाल्लाह वो निकली है। तो ये ना आहिस्ता आहिस्ता ना तैयारी ये भी कर रहे हैं, ठीक है, सारे बर्ड तैयारी कर रहे हैं, और एक वो जो ना सामने कोने में मैं आपको दिखाता हूँ वो पेड़ लगा हुआ है, देखिए वो भी फीडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये भी आहिस्ता है दोस्तों, ये भी एक भी क्या होता है दोस्तों, धूप वहाँ से ना सीधे यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर ना ये चीज़ गर्म हो जाती है, तब शायद इसलिए ना इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तब ये ना थोड़ा लेट भी कर रहे हैं। और हमारे कौन से ये इन्होंने अंडे नहीं दिए, वो देखा ना वो भी अभी कौन से हमारे दूसरे बजीज है ना वो अंडे जा रहे हैं बार बार, तो वो भी पेड़ लगा हुआ है, तो वो उन्होंने भी मजे देने हैं। हाय बस अभी हमारे सिर्फ मास्टर केज रह गया, रीडिंग इन्होंने स्टार्ट नहीं की, बाकी जो हमारा ये सुनसान था ना जो पहले मैं कहता था यार सुनसान है ये भरा हुआ है, अब ये भरने लग गया दोस्तों, अभी यहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। इनको ना खुशी के चक्कर में ना इनको दाना पानी डालना ही भूल गया हूँ, तो इनको पहले दाना वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है, वो दाना इनको लाजमी डालना है। दाने में दोस्तों ये चावल इनको मैं आपको पता है इस टाइम डालता हूँ, तो इसको ना ये चावल ही डाल देते हैं। चलो भाई आ जाओ चावल खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें अभी ना भाग किधर ही आएंगे, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे फेंक देते हैं यहाँ पे, सारे खा लेंगे, चलो 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 चलो, ये देखिए सारे मैंने फेंक लिए, सारा खाली हो गया, अब पीछे हो जाते हैं ये ना खुद आहिस्ता आहिस्ता सारे आ जाएंगे और खाने लग जाएंगे। देखें वहाँ पर दाना पड़ा हुआ था, क्योंकि झाड़ू दी थी ना, तो सारा जहाँ का दाना हमने ना खींच के वहाँ पर सारा कर दिया था, तो वहाँ पर दाना पड़ा वो वहाँ पर भी खा लेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं कचरा बाहर फेंक दूंगा, तो दाना ज़ाया नहीं करना, और यहाँ पर भी फेंक दिया, अब हमारी मुर्गियाँ भी खा लेंगी और हमारे कबूतर भी खा लेंगे, ठीक है। और अब हमारे ना अंदर कोई भी नहीं है, सारे हमारे कौन से कबूतर हैं ना वो सारे बाहर आ गए और दाना वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब भी है, क्योंकि सुबह से इनको नहीं खोला हमने, ये ना क्रेट लेके आया था मैं कि ना अपने ना मैं नेस्ट के अंदर लगाऊंगा, ठीक है, अब इसको भी लगा देंगे, शायद किसी ना किसी टाइम हमारा वो पेड़ भी लग सकता है, तो उसके लिए ना मुफीद है, जितने नेस्ट अंदर होंगे ना उतनी आसानी होगी हमारे लिए। अभी तो हमारे नेस्ट के अंदर ना दोस्तों तकरीबन ना तीन नेस्ट हैं, ठीक है, हमारे केज के अंदर एक के अंदर दो के अंदर अंडे हैं, एक इसमें और एक इसमें अंडे हैं दोस्तों, ठीक है, वो नेस्ट खाली है, वो हमारे लाल बबरे कौन से वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो एक नेस्ट ना हम इसके साथ बना देंगे, फिर जोड़ियाँ बन जाएंगी, दो यहाँ पर और दो वहाँ पर बैठेंगी माशाल्लाह, और दो यहाँ पर बैठेंगी, और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों हमारे, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, इधर नज़र आ जाएंगे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दो दो अंडे हैं दोस्तों माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है हमारे दोस्तों। कहाँ पे गए, योर है ये दोस्तों फीमेल है और वो सामने फीमेल है। मैं दोस्तों बहुत खुश हूँ कि हमारे कौन से बर्ड्स हैं ना हमें ऐसे ना रोज़ रोज़ गुड न्यूज़ देते जाएँ ना, तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, फिर हमारे सेटअप पे ना आहिस्ता आहिस्ता ना बर्ड्स बढ़ते जाएंगे, हमें न्यू लाने की ना और पिगन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब यही ब्रीड करते रहेंगे ना तब हमारा सेटअप ना खुद ब खुद ही बढ़ता जाएगा, और हमें ना न्यू बर्ड लाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, मतलब कि कबूतर जो हमारे ब्रीड कर रहे थे हमें न्यू कबूतर लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं इस बारे में, तो ये खुद ही ब्रीड कर लेंगे, मतलब कि और नस्ल के हम लेके आएंगे, क्योंकि ये अपनी नस्ल खुद ही बना लेंगे, फिर अपने हम अपने ना सेटअप के लिए ना और न्यू बर्ड लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यू बर्ड हमारे सेटअप पर आएंगे ना वो बेहतर रहेगा, और ये अपनी ब्रीड खुद ही कर लेंगे। अब ये ऐसे ऐसे ब्रीड करते हैं ना हमारा सेटअप दोस्तों दिनों दिनों में ना बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जब हमारे यहाँ सेटअप पे ना हम जैसे ही खोलेंगे ना हमारे यहाँ पर परिंदे ही परिंदे होंगे माशाल्लाह से। अभी देखें ना अभी भी हैं परिंदे काफ़ी, लेकिन अभी हैं थोड़े, क्योंकि अभी हमारी छत भी छोटी है, तब लगते हैं, जब हमारे दोस्तों ये ऊपर बन जानी है ना सारा ऊपर, तो हमने केज कौन से ना ऊपर लेके जाने हैं, तो फिर ऊपर हमारी छत काफ़ी बड़ी होनी है, तो फिर ये इतने बर्ड थोड़े होते हैं, तो जब ये जैसे ब्रीड करते जाएंगे ना फिर ये बढ़ जाएंगे, तो फिर ऊपर हम न्यू बर्ड्स भी लेके आएंगे, फिर हमारी छत पर जैसे हम खोलेंगे ना हमारी छत पर बर्ड्स ही बर्ड्स होंगे, और हम पौधे भी हम वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह से, फिर हमारा सेटअप बहुत अच्छा बन जाएगा।
फिर मज़ा आएगा दोस्तों मिनी जू का। अभी हमारा मिनी जू छोटा और बहुत जल्द हमारा मिनी जू बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ऐसे काम चलता रहा तो हमारे सेटअप में काफ़ी बर्ड्स हो जाएंगे और हमारा मिनी जू भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। बस यही थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे जो कबूतरों ने सरप्राइज़ दिया ना, मुझे तो बड़ा पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। हाय, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा जब ऐसे अचानक अंडे देखने को मिल जाए तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो बहुत हो रही है, शायद आपको भी होती होगी जब आपका बर्ड्स कोई ऐसे करता होगा। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो भेजूँ वह आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।